हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द कुकिंग होस्ट पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की भुजिया, जो कि मैं यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली हूँ और मैं इसको अच्छे से धो ली हूँ। चलिए अब इसे देखते हैं कट करने का प्रोसेस क्या है। तो मैं इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। इस साइज़ का आपको कट करना है। कभी भी पहले आपको भिंडी को धोना है, ना कि कट करने के बाद धोना है। और इसी तरह से सारे भिंडी को मैं कट कर लूंगी। तो देखिए, भिंडी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और अब मैं इसमें दो मीडियम साइज के प्याज कट करूंगी। तो इस साइज का आपको प्याज लेना है, जो कि मैं यहाँ पे पहले से कट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं दो हरी मिर्च ले रही हूँ, उसको भी आप बीच से ऐसे कट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 6 से 7 टेबलस्पून। अब इसे मैं अच्छे से हीट कर लेती हूँ। जब ये अच्छे से हीट हो जाए तभी इसमें आप प्याज डालिएगा। तो ऑयल हीट हो चुका है, अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ और अब मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसको ऐसे थोड़े थोड़े देर पे मैं इसे चलाती रहूंगी। ऐसे आप तेज आंच पे ही पकाइएगा। ऐसे ज्यादा लाल नहीं करना है इसे। जब ये थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए प्याज, तो उसके बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर दूंगी। इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही आप तेज आंच पे रखिएगा, ताकि ये प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो देख सकते हैं प्याज ये सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो भिंडी है, मैं इसमें भिंडी ऐड कर दे रही हूँ। और इसे धीरे धीरे करके चलाएंगे ऐसे चारों तरफ से। और इसे ऐसे 2 से 3 मिनट तक इसको तेज आंच पे ही रहने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ नमक, जो कि आप स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर और गोल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसमें मैं सब ऐड कर लेती हूँ। मैं सॉल्ट इतना यूज कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं। आप 1 पिंच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 पिंच लेंगे आप काले मिर्च पाउडर और 1 पिंच लेंगे आप जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर भी आप 1 पिंच लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो या लाल मिर्च पाउडर हो, आप ले सकते हैं। और इसको ऐसे धीरे धीरे करके चला देंगे, ताकि सब मसाला अच्छे से भिंडी में मिक्स हो जाए। धीमे आंच में ढक करके मैं 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी, ताकि भिंडी जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब देख लेते हैं, 5 से 6 मिनट हो चुका है। तो देखिए भिंडी बनके अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं बीच बीच में 2 से 3 मिनट चलाती रही हूँ। 1 से 2 बार मैंने चलाया था, ताकि भिंडी जो है वो सटे नहीं। तो आप देख सकते हैं भिंडी बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनके गल चुका है। अब मैं इसे साइड कर लूंगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और जो भिंडी है वो ऑयली भी ना लगे ज़्यादा। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से भिंडी के भुजिया बनके तैयार हो चुका है। और आप इसे रोटी, पराठा या चावल दाल के साथ, किसी के साथ आप खा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।